शराब पीने से मना किया तो दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक को लात घूंसों और डंडे से जमकर पीटा। पिटाई का दबंगों ने वीडियो भी बनाया। मामला उदयपुर के सुखेर थाना इलाके का 3 जून का है। इसका वीडियो 11 जून को सामने आया है। पीड़ित प्रकाश लोगर जो कि 30 साल का है, उसने बताया कि वह मजदूरी करता है। 3 जून को सपेटियों से अपने घर ब्राह्मणों का गुड़ा जा रहा था, तभी रास्ते में ब्राह्मणों का गुड़ा रोड के पास जितेंद्र सिंह झाला की शराब की दुकान पर बैठे विजय सिंह उर्फ विजेंद्र सिंह झाला जो कि 26 साल के हैं और रघुनाथ सिंह चौहान जो कि 25 साल के हैं, उन्होंने उसे रोका, दुकान के अंदर बुलाया। दुकान में जितेंद्र सिंह झाला और यशपाल सिंह भी बैठे थे। सभी ने उसे शराब पीने को कहा, लेकिन प्रकाश ने शराब पीने से मना कर दिया तो उसे धमकाते हुए मारपीट शुरू कर दी। बाद में शराब ट्यूब की चोरी का आरोप लगाते हुए लात और घूंसों व डंडों से पीटा। प्रकाश ने बताया कि मारपीट के दौरान उसे गालियां भी दी। आरोपियों की ओर से युवक को पुलिस में नहीं जाने की हिदायत देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने के बाद परिजनों और ग्रामीणों के कहने पर पीड़ित थाने पहुंचा। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता देखते हुए 2 घंटों में 3 अपराधियों विजय सिंह, रघुनाथ सिंह और यशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करना स्वीकार किया है। उसे उठा लिया, फिर अंदर ले गया, मेरे को बोला मेरा टूट रहा। मैंने बोला मेरे को जाने भी नहीं, मैं जानता ही नहीं, आप यहाँ आते भी नहीं, ये बात हुई। फिर ये मेरे साथ में मारपीट करने लगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।